दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दूध हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए, मस्तिष्क के संपूर्ण विकास के लिए, साथ साथ हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए दूध बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल दूध को इस तरह से पीना क्या काफ़ी है? तो नेचुरल दीवा के इस एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगी कि केवल दूध में कुछ चीज़ों को मिलाकर आप उसको और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और भी ज़्यादा फायदेमंद बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे करीब मैं 2 बड़े गिलास दूध को गर्म करूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको गैस पर रख दिया है, और जब दूध गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं डालूँगी पिंड खजूर। यहाँ पे मैंने खजूर में से बीज को निकाल लिया है, और करीब 7 से 8 खजूर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। खजूर में आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ताकत प्रदान करता है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें मुनक्का। यहाँ पर करीब मैंने 7 से 8 मुनक्का इसमें डाला है। मुनक्का अंदरूनी शक्ति तो प्रदान करता है, साथ ही साथ अगर हमारे पेट में कोई गड़बड़ है या फिर कोई कब्ज की समस्या है तो उसको भी दूर करता है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच कच्ची हल्दी। देखिए, यहाँ पे मैंने कच्ची हल्दी को लिया और उसको कस के इसमें डाल दिया है। इसको भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है या जोड़ों का दर्द है तो उसको दूर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट आ रहा है वो है बादाम। यहाँ पे मैंने 8 से 10 बादाम को भिगो लिया है। इसको देखिए, रात में मैंने भिगो लिया है। अब हम इसको छील के इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने मिक्सी में इसको डाला और मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। बादाम की जितनी तारीफ की जाए कम है। बादाम हमारे आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, सभी के लिए ही बहुत ही अच्छा है। तो कोशिश कीजिए, किसी न किसी रूप में बादाम का सेवन जरूर किया कीजिए। देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। इस दूध की खासियत ये है कि इसमें हम चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तो जो लोग चीनी का सेवन नहीं करते हैं वो भी इस दूध को पी सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दूध उबल गया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे बादाम का पेस्ट। देखिए, यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको इसमें मिला देंगे और फिर इस दूध को अच्छे से हिला देंगे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, दूध एकदम आपका रेडी हो गया है। लेकिन अभी इसमें एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट मिलाना बाकी है। अब जो इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। देखिए, यहाँ पे मैंने सफ़ेद मिर्च ली है। अगर आपके सर में दर्द रहता है या फिर आपकी नज़रें कमज़ोर हैं तो आपको ये सफ़ेद मिर्च का सेवन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया और करीब 1/4 चम्मच मैं इसमें मिला दूँगी। बहुत ही गुणकारी है ये। ये एक अकेला दूध कई बीमारियों से आपको लड़ने की ताकत देगा। आपके शरीर में जो भी कोई कमजोरी है या थकान महसूस होती है, सर में दर्द होता है या फिर आपकी नज़रें कमज़ोर है यानी कि आँखों के पे चश्मा लगाओ, उसको भी दूर करेगा। तो इन सर्दियों आप दूध को और भी पौष्टिक और भी लाजवाब बनाइए, और रोजाना इस तरह से दूध का सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि आपको थकान की समस्या नहीं रहेगी, आपके सर में दर्द भी मिट जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त और मित्र भी इसका फ़ायदा ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।